गए, याद रखें जिसके दिल में जितना इश्क रसूल होगा उसके दिल में उतनी ही ताजीम रसूल भी होगी, उतना ही उसके दिल में अदब रसूल भी होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत रसूल के बगैर आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। किसी कहने वाले ने कहा है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर की जात ही दीन है, हुजूर की जात ही ईमान है, हुजूर की जात ही कुरान है, हुजूर की जात ही लौ है, हुजूर की जात ही कलम है, हुजूर की जात ही किताब है, हुजूर की जात ही अल्लाह के बाद सब कुछ है। आप कहेंगे हुजूर की जात कुरान कैसे, मैं कहता हूं जिसकी सुबह कुरान बयान करे, जिसकी शाम कुरान बयान करे, जिसकी रात कुरान बयान करे, जिनका जिसका जुल्फ कुरान बयान करे, जिसके रुखसार कुरान बयान करे, जिसकी अदाएं कुरान बयान करे, आप अंदाजा करें। अम्मा आयशा ने तो यही कहा काना खुल्कुहुल कुरान, पूरा उनका अखलाक कुरान ही तो है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दरअसल बात यह है हमने सबसे मोहब्बत की। आज दीन के हवाले से सबसे बड़ा मसला हमारे दरमियान यह है कि दीन के मुबल्लिगीन को दीन की मारिफत नहीं, दीन के मुबल्लिगीन को दीन का इल्म नहीं। इसलिए कि कोई तकरीर करते वक्त एजुकेशन को उन्वान बनाता है और कहता है एजुकेशन हासिल करो तुम तरक्की पालोगे, कोई कहता है कि दौलत जमा कर लो तुम तरक्की हासिल कर लोगे, तुम उरूज हासिल कर लोगे, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करे, कोई कहता है मस्जिदें बनाओ, कोई कहता है मदरसे बनाओ, कोई कहता है स्कूल बनाओ, कोई कहता है यूनिवर्सिटी बनाओ, कोई कहता है कॉलेज बनाओ, कोई कहता है ये बनाओ, कोई कहता है वो बनाओ। मैं कहता हूं याद रखें मैं किसी चीज का इनकार नहीं करता, लेकिन आपको एक बात कहता हूं, आप स्कूल नहीं स्कूलों के अंबार लगा दें, आप बस्तियां नहीं बस्तियों का गुलिस्ता सजा दें, आप अल्लाह अकबर कुछ भी कर लें लेकिन आपको तरक्की नहीं मिल सकती। इसलिए कि अगर एजुकेशन सिर्फ तरक्की पर ले जाता तो आप बताएं क्या मक्के के लोग पढ़े लिखे न थे? मक्के के लोग अल्लाह अकबर इतनी तादाद में पढ़े लिखे थे कुफार में कि हुजूर अलैहि सलाम ने मुसलमान सहाबा को बद्र के फिदिये के हवाले से ये बात तय फरमाई कि जो कुफार असीर बन करके बद्र में आए हैं, बद्र के कैदी बनकर आए हैं, मुसलमान हुजूर के जो सहाबा हैं वो उनसे इल्म हासिल करें। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ मक्के में कुछ लोग पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? फिर आखिरकार सिर्फ एजुकेशन कैसे तरक्की का जरिया हो सकता है? लेकिन कुरान उनको सराहता नहीं। वलीद इब्ने मगीरा, उतबा, अबू जहल जैसे लोग मालदार भी थे, उनके पास मालदार भी है, कुछ हद तक के एजुकेशन भी उनके पास मौजूद है। बगैर एजुकेशन के कोई बंदा एक एक महफिल में 50-50 अशार फिलबदी पढ़ने लगेगा? आप उनकी जहालत की शायरी उठा करके देखें, लेकिन जहालत किस चीज का नाम है? जो एक महफिल में 50 अशार फिलबदी पढ़ रहा हो कुरान उसको जाहिल कहता है, हदीस उसको जाहिल कहती है, इस्लाम उसको जाहिल कहता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं क्या फिलबदी अशार जाहिल कह सकता है? अल्लाह हु अकबर। और शायरी उनकी आप उठा करके देखें, अल्लाह हु अकबर, दरख्तों पर उनकी शायरी, नहरों पर उनकी शायरी, इसी तरीके से जो है वो बहारों पर उनकी शायरी, तो वो जाहिल लोग थे। कुरान जो जिहालत कहता है उनको, जिहालत किस चीज का नाम है? जिहालत कहते किसे है? तो याद रखें उनके पास एजुकेशन है लेकिन फिर भी कुरान उनको जाहिल इसलिए कहता है कि वो इल्म की जान मुहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते, इसलिए कुरान ने उनको जाहिल कहा है। अल्लाह अकबर। और क्या हर सहाबी हुजूर का पढ़ा लिखा था? हुजूर का हर सहाबी पढ़ा लिखा था? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा तो ऐसे भी तो थे ना, सरकार के सहाबा में कुछ सहाबा ऐसे भी तो थे ना कि जिनको मसला पूछने के लिए मुश्तही सहाबा की बारगाह में आना पड़ता था। इसका मतलब यह है कि हर सहाबी का इल्मी मियार यकसा नहीं था, लेकिन कुरान उनको जाहिल नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? इसलिए कि वो मुस्तफा जाने रहमत को मानते हैं, उनको जानते हैं, उनको मानते हैं। पता चला कि 8 साल पढ़कर सर पे पगड़ी बांध कर भी अगर हुजूर को नहीं जान सका तो है नीरा जाहिल, और कुछ पढ़े बगैर जाने ईमान की मारिफत हासिल कर ली तो फिर वो उस जाहिल से बहुत बेहतर है। और उनसे मोहब्बत कब करोगे? तो इमाम फरमाते उन्हें जाना। वाह वाह सुभान अल्लाह।
मानने से पहले जानना जरूरी है, उन्हें जाना। जब जानोगे तो फिर उन्हें माना, और जब मान लोगे तो फिर न रखा गैर से काम, और उसके नतीजे में लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।